Hello, dear students. In this lecture, we will talk about heart sounds. आज के लेक्चर में हम हार्ट साउंड्स मगर नॉर्मल हार्ट साउंड्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स भी होते हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट आर हार्ट साउंड्स? डियर स्टूडेंट्स, हार्ट साउंड्स आर नॉइजेस मेड बाय क्लोयर ऑफ हार्ट वॉल्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल हार्ट बीट. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर कार्डियक साइकिल का पढ़ा था जिसमें सिस्टले डायस्टले दोनों कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स होता है. तो हार्ट बीट के दौरान हमारे हार्ट के वाल्व्स क्लोज होते हैं और वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं और उन वाइब्रेशंस की वजह से नॉइजेस प्रोड्यूस होते हैं. उन नॉइजेस को आप और हम हार्ट साउंड्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, दो वाल्व्स के क्लोयर से हार्ट साउंड एसोसिएटेड होते हैं. नंबर वन, क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एंड नंबर टू, क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व. तो ये पहला पॉइंट. डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट हार्ट साउंड कॉल्ड S1 मेक्स अ लुब साउंड. लुब साउंड. व्हाट अबाउट सेकंड साउंड? द सेकंड हार्ट साउंड कॉल्ड S2 That makes a dub sound. तो first sound को क्या कहते हैं? Lub. Second को क्या कहते हैं? Dub. So dear students, the hard sounds are often described as constant lub dub, lub dub, lub dub hard sounds. जब डॉक्टर हमारे चेस्ट के हार्ट रीजन के ऊपर डिफरेंट एरियाज के ऊपर स्टेथोस्कोप प्लेस करता है, डॉक्टर विल लिसन कॉन्स्टेंट लुबडुब 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 साउंड्स. दीज आर नॉर्मल हार्ट साउंड. मगर डियर स्टूडेंट्स, हार्ट साउंड्स एबनॉर्मल भी होते हैं. मैं नॉर्मल हार्ट साउंड्स की बात कर रहा हूं. अ नॉर्मल हार्ट बीट हैज साउंड 1 लुब एंड साउंड 2 डुब साउंड्स. And the closing of atrioventricular valve and semilunar valves make a lub-dub noise. Magar dear student, heart sounds abnormal bhi hote hain. If there are problems in your heart, there may be additional or abnormal heart sound. To dear student, sound 1 or sound 2, jisko aap aur hum lub-dub ke naam se jante hain, to ये नॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं. मगर एक कंडीशन हमारे टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब की गई है, हार्ट मर्मर, तो वो एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं. मगर आज के लेक्चर में हम लुबडुब नॉर्मल हार्ट साउंड्स को डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट क्रिएट्स द हार्ट साउंड्स? डियर स्टूडेंट्स, हार्ट साउंड तभी प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे हार्ट के वाल्व्स क्लोज होते हैं एंड द ब्लड इज फोर्स्ड अगेंस्ट द क्लोज्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमिल्यूनर वाल्व. दिस प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस इन द क्लोज्ड वाल्व्स, दैट प्रोड्यूसेस नॉइज, वी नो हार्ट साउंड. और उसके अलावा हमारे हार्ट के चैम्बर्स, स्पेशली मैं वेंट्रिकल्स की बात कर रहा हूँ, तो जब उनके वाल्व्स क्लोज होते हैं तो उनमें ब्लड के फ्लो की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो उस वजह से भी हमारे हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ब्लड फ्लो क्रिएट्स वाइब्रेशंस इन द हार्ट चेंबर्स एंड वाल्व्स व्हिच प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड्स दैट कैन बी हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप. तो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर हार्ट के डिफरेंट एरियाज के ऊपर स्टेथोस्कोप प्लेस करता है और उससे एक डॉक्टर हमारे हार्ट के साउंड सुनता है. तो डियर स्टूडेंट, साउंड वाइब्रेशंस की वजह से, वो साउंड वाइब्रेशंस या हमारे हार्ट के एवी वाल्व या सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोयर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, या जब ब्लड का कॉलम उसमें फोर्स क्रिएट होता है तो हमारे हार्ट के चेंबर्स में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से हार्ट नॉइजेस प्रोड्यूस होते हैं. और आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल हार्ट साउंड्स को. डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल हार्ट साउंड, आपको तीन चीजें लिखनी है. सबसे पहले आपको लिखना है हार्ट साउंड, फिर आपको उसके करीब लिखना है अकर्स ड्यूरिंग, फिर उसके करीब आपको लिखना है एसोसिएटेड विथ. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है अगर आप हार्ट साउंड को बहुत आसानी से समझना चाहते हो. देखें डियर स्टूडेंट्स, S1 इज नोन एज लुब.
तो अब ये कब होता है? डियर स्टूडेंट्स, दिस अकर्स व्हेन द वेंट्रिकल्स आर कंट्रैक्टिंग, वी से वेंट्रिकुलर सिस्टोली, जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं राइट और लेफ्ट एट्रियम, तो कुछ वाल्व्स क्लोज होते हैं और उनकी वाइब्रेशंस की वजह से पहला साउंड लूप प्रोड्यूस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, साउंड वन लूप इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, वी नो दीज आर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला साउंड है लूप, तो वो किससे रिलेटेड है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड मिट्रल वाल्व, आल्सो नोन एज बाइकस्पिड वाल्व। डियर स्टूडेंट्स, ट्राइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वेयर इज द मिट्रल वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्लोज होता है, मिट्रल वाल्व भी क्लोज होता है, और उसमें वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा होता है, एट्रिया में प्रेशर कम होता है। तो जैसे ही ब्लड व्हेन द ब्लड इज पुल्ड बैक against the closed AV valves, this produces vibrations in the atrioventricular valve. This produces first heard sound known as loop. और dear student, अब देखते हैं कि second heard sound loop कैसे produce होता है। फिर वही आपको तीन चीजें लिखनी है, heard sound occurs during associated with। अब हम discuss करते हैं second sound loop को। ये तभी होता है जब हमारे वेंट्रिकुलर का डायस्टोल बिगिन करता है, अकस ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, व्हेन आवर वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे हमारे दो वाल्व्स क्लोज होते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व। सो द सेकेंड हार्ट साउंड डुप इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनिक वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो देखें, एक वाल्व यहां पे क्लोज है और दूसरा यहां पे क्लोज है, यहां पे कौन सा वाल्व क्लोज है? डियर स्टूडेंट्स, पल्मोनिक वाल्व, इट इज लोकेटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो जैसे ही ये वाल्व क्लोज होगा और पहले ब्लड बाहर जाएगा, फिर ब्लड का कॉलम वापस आएगा, तो वापस आने से द ब्लड इज pulled back, forced against closed pulmonic valve. This produces vibration in the pulmonic valve. और दूसरा वाल्व कौन सा क्लोज है डियर स्टूडेंट्स? एरोटिक वाल्व। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। तो जब ये वाल्व भी क्लोज होगा, एरोटा से ब्लड वापस आएगा, द ब्लड इज फोर्स्ड अगेंस्ट क्लोज एरोटिक वाल्व। तो ये दो पल्मोनिक वाल्व और एरोटिक वाल्व जब क्लोज होते हैं, एंड व्हेन द ब्लड इज पुल्ड बैक अगेंस्ट दिस क्लोज वाल्व, दिस प्रोड्यूसेस सेकंड साउंड नोन एज डुप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये समझा कि किस तरह ये वाल्व कौन से वाइब्रेशंस की वजह से कौन से साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल साउंड्स, S1 S2 लुप डुप लुप डुप। देखे नहीं है स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट साउंड की बात करें लुप, व्हेन द टू वेंट्रिकल्स, जब हमारे वेंट्रिकल्स सिस्टले में होते हैं कंट्रैक्ट एंड पंप आउट ब्लड इनटू द एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लोइंग बैक इनटू द एट्रिया। देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम शोइंग आवर हार्ट। तो जब हमारे ये जो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो देखें यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व को क्लोज कर दिया गया है और यहां पे बाइकस्पिड वाल्व को क्लोज कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, ट्राइकस्पिड वाल्व इज क्लोज लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और यहां पे देखें तो बाइकस्पिड वाल्व भी क्लोज है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बाइकस्पिड वाल्व लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट कौन से वाल्व क्लोज होते हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो जैसे ही ये ब्लड बाउंस बैक करेगा और यहां पे क्लोज एवी वाल्व से फोर्स करेगा, तो इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से पहला साउंड लुप प्रोड्यूस होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट साउंड S1 इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशंस क्रिएटेड बाय द क्लोजिंग ऑफ दीज टू वाल्व्स। कौन से वाल्व्स? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। व्हेन द ब्लड इज फोर्स्ड अगेंस्ट पुल्ड बैक फोर्स्ड अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, दिस प्रोड्यूसेस द फर्स्ट हर्ट साउंड नोन एज लुप।
अब हम आते हैं दूसरे हर्ट साउंड, सेकेंड साउंड एस टू डुप की तरफ। आफ्टर पंपिंग ब्लड द वेंट्रिकल्स रिलैक्स टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द एट्रिया एंड द डायास्टोल फेस स्टाल। जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं और डायास्टोलिक फेज स्टार्ट होता है, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये दो वाल्व्स क्लोज हैं, एक पल्मोनिक वाल्व और दूसरा एरोटिक वाल्व। पल्मोनिक वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटिक वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो द एरोटिक एंड पल्मोनिक वाल्व्स क्लोज एंड कॉज वाइब्रेशन गिव्स राइज टू द सेकेंड हर्ट साउंड नोन एज डुप। देखें डियर स्टूडेंट, जब हमारा पल्मोनिक वाल्व भी क्लोज होता है, एरोटिक वाल्व भी क्लोज होता है, तो पहले तो ब्लड ऊपर चला गया, ठीक है, आर्टरीज में, अब ब्लड वापस आएगा। एंड वेन द ब्लड इज पुल्ड बैक अगेंस्ट द क्लोज पल्मोनिक वाल्व एंड एरोटिक वाल्व, दिस प्रोड्यूसेस द सेकेंड हर्ट साउंड नोन एज डुप। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आज हमने पढ़ा किस तरह लुब और डुब का साउंड प्रोड्यूस होता है। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, लुब डुब आर द नॉर्मल हार्ट साउंड एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स एंड सेमिलूनर वाल्व्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।